हिंदुस्तान की तरफ आप उठा के देखा उसका वही हाल करेंगे जो 1947 के लिए महात्मा गांधी ने कहा था कि अगर हुसैन के सिपाही की तरह हो हमारे सुन्नी भाइयों हिंदू हो सिख हो ईसाई हो जो मुजफ्फरपुर बिहार से तस्वीर लाए हैं और मुजफ्फराबाद की सर जमीन पे पहली बार तस्वीर लाए हैं और हकीकत ये बड़ी कामयाब मस्जिद होने पर ही है। मैं दावा दे रहा हूँ कि वो आए और बारगाह शहजादी में नजर में अपनी तस्वीर करें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حسين مني وأنا من الحسين حضرات گرامی قدر معزز سامعین کرام یہ جلوس امام حسین علیہ السلام کے یاد میں نکالا گیا ہے اور حسین کا غم وہ غم ہے जो आफाकी भी है और आलमीनी भी है। इसलिए कि हर वो इंसान के जिसके सीने में धड़कता हुआ दिल है और उसके पास इंसानियत है तो वो हुसैन का गम जरूर मनाएगा। बेशक बेशक। इसलिए कि हुसैन ने किसी एक फर्द किसी एक कौम के लिए कुर्बानी नहीं दी बल्कि आलम इंसानियत के लिए हुसैन ने कुर्बानी दी। बेशक। और आज उसकी दलील ये है कि आज हर गली में हर कूचे में या हुसैन की आवाज बुलंद हो रही है। बेशक बेशक। चाहे वो हमारे सुन्नी भाइयों हिंदू हो सिख हो ईसाई हो वो हुसैन के गम में शरीक होते हैं और इमाम हुसैन का गम मनाते हैं और दुनिया वालों को ये बताते हैं कि हमारा किरदार हुसैनी किरदार है यजीदी किरदार नहीं है। हमारे मुसलमान भाई इमाम हुसैन के गम में शरीक होकर बताते हैं कि हमारा किरदार हुसैनी किरदार है। लिहाजा कोई ये सवाल न करे कि ये जुलूस क्यों निकाला जाता है ये आलम क्यों निकाले जाते हैं ये मातम क्यों किए जाते हैं। इसलिए कि हिंदुस्तान एक मरतबा आजाद हुआ था लेकिन आज 15 अगस्त को हर साल तिरंगे के नीचे आके सलामी पेश करते हैं जो तराना पढ़ते हैं तिरंगे के नीचे आके सलाम करते हैं मुल्क की इज्जत को अपने हाथ में रख के झंडे को सलाम करते हैं तिरंगे को सलाम करते हैं। क्यों? ताकि हम दुनिया वाले को हम हिंदुस्तानी पूरी दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि अगर फिर किसी ने हिंदुस्तान की तरफ आप उठा के देखा उसका वही हाल करेंगे जो 1947 में किया था। हम इसीलिए इमाम हुसैन का गम मनाते हैं हम जुलूस निकालते हैं ताकि यजीदी फिक्रनुमा लोगों को ये पैगाम दे सके कि अगर फिर किसी ने बैत का मुतालबा किया तो उसका वही अंजाम करेंगे जो हुसैन ने करबला में यजीद का किया था। और ये हुसैन का गम वो गम है कि जिसके लिए महात्मा गांधी ने कहा था कि अगर हुसैन के सिपाही की तरह हुसैन के फौजी की तरह अगर हमें सिपाही मिल जाते तो हिंदुस्तान को 24 घंटे के अंदर फतह कर देते। वाह 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 वाह। इसलिए कि हुसैन के सिपाही वो सिपाही थे कि हुसैन चिराग गुल करके कह रहे थे जाओ चले जाओ लेकिन जब हुसैन ने चिराग को दोबारा रोशन किया तो हुसैन के सिपाही अपनी तलवारों को अपनी गर्दन पर रखे हुए कह रहे थे कि अगर हमें 70 मरतबा कत्ल किया जाए 1000 मरतबा कत्ल किया जाए और फिर जिंदा किया जाए तो हुसैन हम आपकी नुसरत से पीछे नहीं हट सकते। ये दुनिया वालों को बताना चाहते हैं। और मैं यहाँ हमारे मुसलमान भाई भी खड़े हुए हैं काफी तादाद में लोग जुमा है मैं एक पैगाम देना चाहता हूँ उम्मत मुस्लिमा को कि याद रखिएगा अगर आज मस्जिदों में अजान जिंदा है नमाज जिंदा है तो ये हुसैन का। इसलिए कि यजीद का मिशन सबको पता है वो क्या चाह रहा था हलाल मोहम्मदी को हराम कर दो हराम मोहम्मदी को हलाल कर दो यानी क्या मतलब आयत वही रहे शराब हलाल हो जाए आयत वही रहे जिना हलाल हो जाए लेकिन हुसैन ने कहा कि हुसैन पैगंबर इस्लाम के दीन को मिटने नहीं देगा और हुसैन दीन को बचाने के लिए करबला गए इस्लाम को बचाने के लिए करबला गए। दुनिया ये न कहे कि करबला की जंग तो बादशाहों की जंग थी करबला की जंग तो बादशाहों की जंग नहीं थी बल्कि तो नजरियात की जंग थी। एक नजरिया चाह रहा था कि ला इलाहा इल्लल्लाह बाकी रहे एक चाह रहा था कि ला इलाहा इल्लल्लाह मिट जाए एक चाह रहा था कि कुरान की तिलावत बाकी रहे एक चाह रहा था कि कुरान की तिलावत मिट जाए। जो जिक्र करबला लोरी में अपनी सुनते रहते हैं
वही बच्चे बड़े होकर बहादुर मर्द बनते हैं। अरे जिन्हें ये करबला की जंग दो शाहों की लगती है, वो जब कुछ बन नहीं पाते तो दहशतगर्द बन